दौड़ के खिदमत करता है। जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करता है, छोटे बड़े लोगों से मोहब्बत करता है। जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करता है, छोटे बड़े लोगों से मोहब्बत करता है। अरे तुम तो इन कुर्सी पे हुकूमत करते हो, भाई हमारा दिल पे हुकूमत करता है। ये है सबका सपोर्ट कर रहे हैं। एक शख्स वो है जो सबका साथ सबका विकास। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ हमारा सबका सपोर्ट कर रहे हैं हमारे नेताजी। आइए एक शेर और पढ़कर मैं आपके दरमियान मोहतरमा रोशन हबीबा रोशनी, अजीब सा नाम, बहुत खूबसूरत सा नाम, खूबसूरत सी शायरा, खूबसूरत से कलाम के साथ आपके हवाले आएगी। सर एक शेर पढ़ना चाहता हूँ गंगा जमुनी तहजीब के हवाले से। हाँ शहबाज भाई, अजमल भाई किधर गए, उनके साथ यहाँ देखते रहेंगे और आपकी बिलखुसूस तवज्जो चाहिए। अजीब लोग थे वो, तितलियां बनाते थे। वो कहां गए भाई साहब जो कह रहे थे कि देश में पढ़ने के लिए, देश में पढ़ रहा हूं। सुने अजीब लोग थे वो, मुझे लग रहा है अपने बीवी का एक लौता शोहर है बेचारा। हाँ शेर देखे, अजीब लोग थे वो, तितलियां बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। अब तालियां आपको ठोक देनी चाहिए थी जहां खामोश रहे। अजीब लोग थे वो, तितलियां बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था, मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियां बनाते थे। मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था। और मेरे दोस्तों हिंदुस्तान की खूबसूरती ये है कि देखिए तमाम हिंदुस्तानी स्टेज पर हिंदू मुसलमान सब तरह के लोग बैठे हुए हैं। ये शेर पढ़ना था और इसके लिए मैंने वक्त आपका ले लिया। अजीब लोग थे वो, तितलियां बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था, मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियां बनाते थे। हमारे गाँव में दो चार हिंदू दर्जी थे। आए हाय मेरी जान, इस पे ताली नहीं ठोके तो मेरा दिल मेरा कलेजा बाहर आ जाएगा, यकीन जानिए। शेर देखे, मेरे गांव में, हमारे गांव में दो चार हिंदू दर्जी थे जो नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। हमारे गांव में दो चार हिंदू दर्जी थे, हमारे गांव में दो चार हिंदू दर्जी थे जो नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। आप खूबसूरत सी शायरा को देखे कम, शायरी ज्यादा सुने। मैं बड़े अदब के साथ मोहतरमा रोशन हबीबा रोशनी को, रोशन हबीबा सोच रही थी मुजाहिद साहब मुझे कुर्बान कर देंगे, लेकिन अरे बाबा मैं तो धन्य हो गया सर। स्टेज का साथ तो आप ही है। अरे बाबा बाबा माशाल्लाह। अरे हमारे सर ने जब कह दिया तो मैं धन्य हो गया भाई, मत पूछिए। वरना पुलिस विभाग में वफादारी मत पूछिए भैया। सलाम करता हूँ। हम पटना में एक मंत्री जी हमको बुलाने लगे, कहने लगा कभी मेरे कोठी पे आइएगा। जब गए तो पता चला वो, जब वो हयात से होते हैं वजीर अकलियती फलाह महबूद के मंत्री होते थे शाहिद अली खान साहब, तो कई मरतबा याद किया। तो मैं जब उनके दरवाजे पे गया तो उनके बॉडीगार्ड वगैरह जो थे पुलिस वाले, मैंने कहा कि मंत्री जी से मिलना चाहता हूं, तो कहा ये लंगड़ा आदमी कहां से आ गया, लंगड़ा तो हुआ, इसको कौन बुला लिया। हमने कहा कि बात करना चाहता हूं, मंत्री जी ने बुलाया है मुझे। नीचे से ऊपर तक देखा, कहा कि नहीं मंत्री जी सो रहे हैं साइड में। मैंने कहा कि अच्छा चलो, जेब में धीरे से हाथ डाला और गांधी जी की वो बात याद आ गई कि गांधी जी ने एक मरतबा कहा था कि देखो, गरीब लोगों ने जाकर कहा गांधी जी से कि गांधी जी जब आप जिंदा हैं अभी तो हमारे मुकदमात आप लड़ रहे हैं, गरीबों के मसीहा हैं, देश की शान है, लेकिन जब आप मर जाएंगे तो हम लोगों का कौन भला करेगा, गरीबों का। तो गांधी जी ने कहा कि उस वक्त अभी मैं जिंदा काम कर रहा हूं, उस वक्त मैं मुर्दा काम करूंगा। ठीक है, जो गांधी जी जो है वो बहुत काम करेगा। मैंने नीचे जेब में हाथ डाला, 500 का नोट निकाला, धीरे से ऐसे धराया, कर दे 5 मिनट में परमिशन मिल जाएगा। अरबी मंत्री जी जग गए। जगने के बाद जब मैं गया तो कुर्सी छोड़ दिए, अरे कवि जी आइए स्वागत, ऐसे में भी मूड नहीं बन रहा था, कुछ शेर सुनाइए। हमने सुनाने लगे, फिर मंत्री जी ने कहा कि कुछ तकलीफ आने होने में, हमने कहा पूरे भारत में कहीं नहीं लेकिन यही दरवाजे पे हुई है, गांधी जी की कुर्बानी देनी पड़ी। तब मैंने 4 मिसरे कह डाले, पढ़ो, निशाना ठीक था लेकिन निशाना छोड़कर भागे, पड़ी जब डांट अफसर की तो खाना छोड़कर भागे। पुलिस वाले हमारे दौर के इतने बहादुर हैं, घुसा जो माफिया थाने में थाना छोड़कर भागे।
ये वहां की बात बता रहा हूँ, यहाँ की नहीं। ऐसे ऐसे लोगों को जो जनता के दिलों में रहते हैं, सर आदाब नमस्ते सब कुछ करता हूँ आपको कि आप लोगों को समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और इन्होंने कहा कि मुशायरे की जान शान आप है, ये चूंकि जान रहे हैं कि संचालक जो भी होता है पूरी जिम्मेदारी उनके हाथों पे होती है। यकीन जानिए मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा हूँ, इतनी छोटी फहरिस्त है, चार आदमी पर मुश्तमिल मुशायरा कभी नहीं होता है। ये मुशायरा एक से डेढ़ घंटे में खत्म हो जाता है, लेकिन ये चार घंटे तक मुसलसल चल रहा है। तो मेरे दोस्तों यकीन जानिए कि इस डेट टांग के आदमी का योगदान बहुत है। एक मरतबा कम से कम मेरे लिए तालियां ठोक दीजिए कम से कम। ये हिंदुस्तान है, अपना हक बढ़ के लेना चाहिए। अजीब लोग थे मगर तितलियां बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। हमारे गांव में तो चार हिंदू दर्जी थे जो नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। एक शेर और याद आ गया, अगर इजाजत है वक्त ना हो रहा हो तो पढ़ दूं सर। दे जी जी, उसके बाद इंशाल्लाह शायरा को मैं आपके हवाले कर दूंगा। देखिए मेरे दोस्तों, तुम्हारे लहजे में उर्दू का इंतखाब नहीं। मेरे शेर पर वही शख्स ताली ठोकेगा जो मर्द होगा, जो नहीं ठोकेगा उसे मैं गिनती में लेना चाहता हूं। शेर देखिए, तुम्हारे लहजे में उर्दू का इंतखाब नहीं, यही सबब है कि लहजे में जी जनाब नहीं। यही सबब है कि लहजे में जी जनाब नहीं। और एक शेर सुनिएगा कि जरा सी बात पर तुम क्यों उठा कर ले आए, अरे कलाम पाक है स्कूल की किताब नहीं। जरा सी बात पर तुम क्यों उठा कर ले आए, क्या बात, जरा सी बात पर तुम क्यों उठा कर ले आए, कलाम पाक है स्कूल की किताब नहीं। हमें मिटाने की जिद में वो ये भी भूल गया, हमार चराग बुझते हैं फूकों से आफ्ताब नहीं। वाह 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 वाह, हमें मिटाने की जिद में वो ये भी भूल गया, हमार चराग बुझते हैं फूकों से आफ्ताब नहीं। इन चार पंक्तियों के साथ मोहतरमा रोशन हबीबा रोशनी को आपके हवाले कर रहा हूँ कि जान देते हो क्यों तुम दुल्हन के लिए, तालियां, जान देते हो कोई क्यों तुम दुल्हन के लिए, जान देना है दे दो वतन के लिए। इन हसीनों के गलियों में मर जाओगे कोई चंदा न देगा। तुम मेरी मोहब्बत हो मुझको सबसे क्या लेना, क्या बात है, तुम मेरी मोहब्बत हो मुझको सबसे, तुम मेरी मोहब्बत हो मुझको सबसे क्या लेना, मैं जो रूठ जाऊं तो तुम मुझे मना लेना, मैं जो रूठ जाऊं तो तुम मुझे मना लेना। बहुत मोहब्बतें, बहुत करम नवाजिश कि तुम मेरी मोहब्बत हो। यहाँ पे मुखिया जी और जिला परिषद भी और थाना प्रभारी तशरीफ रखते हैं, मैं पहुँचाती हूँ आपको। सुनिएगा कि तुम मेरी मोहब्बत हो मुझको सबसे क्या लेना, मैं जो रूठ जाऊँ तो तुम मुझे मना लेना। इंतजार का कुछ दिन और तुम मजा ले लो, इंतजार का कुछ दिन और तुम मजा ले लो, और मैं जो पास आऊंगी अरे तुम गले लगा। कसम खुदा की माइक बहुत खराब है, पता नहीं इन्हें इन लोगों ने सही पेमेंट किया है या नहीं, जो इस तरह से माइक चला रहे हैं आप। आपसे गुजारिश है, अरे तो उनको दीजिए ना पेमेंट ताकि वो माइक सही कर दे। नौशाद भाई बहुत मुस्कुरा रहे हैं,
माशाल्लाह, ये नौशाद भाई, फिरोज भाई और कमेटी हजरत की मोहब्बत है, वरना इस फहरिस्त में मेरा नाम ही नहीं था। इन लोगों ने मुझे चकनथू के मुशायरे में, सिरमतपुर के मुशायरे में सुना था, तब इन लोगों ने कहा कि ये शायरा हम लोगों को चाहिए, ये इन लोगों की मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया भाई। नहीं, इतने लोगों का नाम लेकर बहुतों का दिल नहीं तोड़िए, ये लोग भी आपको चाह रहे हैं, ये लोग भी अपने कलेजे में धड़कता हुआ दिल रखते हैं। ये बताइए कि चकनथू के लोग यहाँ मौजूद है और सिरमतपुर के, तो आप लोग वही सबूत दीजिए जो आप लोगों ने वहाँ पे दिया था। बाकी गोड्डा वाले बहुत मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। मैं हाजिर करती हूँ, सुनिएगा, और चार मिसरे बतौर खास। घड़ी ये बन के बड़ी मेहरबान आई है, घड़ी ये बन के बड़ी मेहरबान आई है, खुले है लब मेरे मुंह पे जबान आई है, खुले है लब मेरे मुंह पे जबान आई है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह। विधायक जी ने बहुत वक्त दिया, एक मरतबा विधायक जी के लिए जोरदार तालियों के साथ उन्हें रुखसत करें, क्योंकि अगली मीटिंग में भी उन्हें जाना है, बहुत सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पे है। हाँ, उसकी यादों में जीती मनती हूँ, अपने सजना से प्यार करती हूँ, अपने सजना से प्यार करती हूँ, फोन तुमको जरूर कर लेती, फोन तुमको जरूर कर लेती, बस जमाने से यार डरती हूँ, बस जमाने से यार डरती हूँ। आप लोग एक बार ताली बजाकर मुझे इजाजत दें। आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग अपने अपने जगह पर बैठ जाइए। उन लोगों को जाना था तो आप लोग मुशायरे को खराब क्यों कर रहे हैं? जिनको जाना था, उनको जरूरी काम थी, इसलिए वो चले गए। नहीं नहीं, आप लोग बैठ जाए। एक मिनट हबीबा, जिनको जाना है, तकाजा है, आप लोग भी जा सकते हैं। जो सुनना चाहते हैं इंशाल्लाह लोग बैठे, अली बारा बंकवी भी आएगा और शमशेर जहानागंजवी भी आएगा, और जिनको आप सुनना चाहेंगे राधिका मित्तल को, गुले सभा को, सब एक राउंड पर। लेकिन आप सुनना चाहे तो, नहीं सुनना चाहेंगे कमेटी की तरफ से ऐलान कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। सुने मेरे दोस्त, जो जाना सुनना चाहते हैं तो आप लोग सुनिए खामोशी से। चलिए मैं हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। कोई तो है जो मेरा इंतजार करता है, क्या बात है, कोई तो है जो मेरा इंतजार करता है, कोई तो है जो मेरा इंतजार करता है, शेर पहुंचाती हूं। मैं आ गई हूं तो दिल तुझको देख जाऊंगी, क्या बात है, मैं आ गई हूं तो दिल तुझको देख जाऊंगी, मैं आ गई हूं तो दिल तुझको देख जाऊंगी, क्यों अपने दिल भला बेकरार करता है, क्यों अपने दिल
क्या बात है, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत करम नवाजिश, बहुत करम भाई जी। क्यों अपने दिल को बेकरार करता है और तू मेरे पास आ, तू मेरे पास आ, बाजी पलट के रख दूंगी, तू मेरे पास आ, बाजी पलट के रख दूंगी, तू मेरे पास आ, बाजी पलट के रख दूंगी, जो दूर रह के। क्या बात है, जो दूर करता है, जो दूर रह के कलेजे पे वार करता है, कलेजे पे वार करता है। वाह, मुझे लगा भाई मुझे मोबाइल भी दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया भाई, अरे भाई चकनत्तू से देखे, ये हमारे बहुत बड़े फैन हैं। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह अल्लाह फैन से इसको कूलर बना। क्यों दूर रह के कलेजे पे वार करता है, क्यों दूर रह के। खाली मुस्कुराएंगे भाई आप लोग, तालियां ही बजाएंगे। हाँ, इतना मुस्कुराइए मत, मुझे देखने आए तो मैं खड़ी हो जाती हूँ, आप लोग देखते रहिए मुझे। सुनने भी आए हैं ना आप लोग, तो आप लोग सुने भाई, बताएं मुझे कि आप लोग सुन रहे हैं, वरना मैं आप लोगों को नहीं देखूंगी बल्कि यहाँ के लोगों को देखूंगी। क्या बात, आप लोग सुनिए, मैं पढ़ती हूँ। मैं डर रही हूँ, मैं डर रही हूँ, गोटा वालों सुनिएगा, मैं डर रही हूँ, कली हूँ मुझे निचोड़ न ले। क्या बात है, मैं डर रही हूँ, मुझे निचोड़ न ले, मैं डर रही हूँ, कली हूँ मुझे निचोड़ न ले, कि मैं डर रही हूँ, कली हूँ मुझे निचोड़ न ले, वो खुशबू का, वो खुशबू बहुत कारोबार करता है। वाह, वो खुशबुओं का बहुत कारोबार करता है। स्टेज भी बेदारी का सबूत दे भाई, स्टेज के लोग। मुझे कौन प्यार करता है, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। देखना है और मखते भी आपकी अदालत में पेश करती हूँ जी, कि मैं है उसके वास्ते ये दिल का छोट रोशन। क्या बात है, है उसके वास्ते, सुनिएगा डैश की तवज्जो, है उसके वास्ते, जिशान बाबू सुनिएगा, मैं पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। है उसके वास्ते ये दिल का छोट रोशन, है उसके वास्ते ये दिल का छोट रोशन, जो मेरी याद में, जो मेरी याद में, अल्लाह इनको सलामत रखे, इनके कारोबार में बरकत दे। माशाल्लाह इन्होंने चकनत्तू और श्रीमतपुर में भी बहुत दुआओं से नवाजा था माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। देखिए बहुत दुआएं मिल रही है, आप लोग भी ऐसे, कम से कम आप लोगों से मैं कोई रुपया खर्च नहीं मांग रही हूँ भाई, तालियां मांग रही हूँ। आप लोग ताली बजाने में कंजूसी मत करिए, ताली बजा दे एक बार पूरा मजमा ताली बजा दे, तब मैं पढ़ूंगी। आप लोग बजा दे ताली, मैं हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। है उसके वास्ते ये दिल का चांद रोशन, है उसके वास्ते ये दिल का चांद रोशन, जो मेरी याद
करता है जो मेरी याद में तारे शुमार करता है। वाह 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 बहुत अच्छे रोशन, क्या बात है नौशाद भाई, जिंदाबाद नौशाद भाई, सुने गौर से। मुझे कौन प्यार करता है ये देखना भाई, अमजद भाई भाई मुजाहिद भाई, कुछ चाय अभी पीनी थी क्या? कहे तो छोड़, छोड़ ही देते तो बेहतर होता, अब तो आप मंगाइए। अता कर चाय वाले से तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई है, अभी आप चाय ना चलाएं बहुत डिस्टर्ब होती है, चाय जब चलता है ना तो लोगों के इसी में ज्यादा। थोड़ी देर के लिए चाय रोक दो भाई, रोक दो थोड़ा पढ़ने दो, क्योंकि चाय ही बेचते बेचते लोग मंत्री बन जाते हैं, इसीलिए आप अभी चाय ना चलाएं, रख दीजिए थोड़ी देर, मेहरबानी होगी, बैठ जाओ आप भी। मुशायरे को सुनिए, मैं पढ़ती हूँ। के है उसके वास्ते ये दिल का चांद रोशन जो तेरी याद में, जो तेरी याद में तारे शुमार करता है। क्या बात है, ये देखना है मुझे कौन प्यार करता है, ये देखना है। और अल्फा सिलवेशन की तरफ से इन्हें इन्हें देखिए, ये नौशाद भाई की बेटी है माशाल्लाह, अल्लाह इनको खुश रखे। जो आपके बेटी जैसी है, बिल्कुल मेरी बेटी जैसी है माशाल्लाह, बहुत अच्छा। और आइए आप लोगों को अब गीत की तरफ लेकर चलती हूँ मैं, गीत को गीत की तरह से आप लोग सुनिएगा, मैं आप लोगों को गीत सुनाना चाहती हूँ, मैं हाजिर करती हूँ सुनिएगा। क्या बात, गीत का माहौल बना दे भाई, ताली बजा दीजिए। लम्हा लम्हा है जवां, लम्हा लम्हा है जवां, क्या बात, नौशाद भाई की फरमाइश है, पढ़ती हूँ नौशाद भाई मैं, अल्फा सिलवेशन मैं पढ़ती हूँ, हाजिर करती हूँ। लम्हा लम्हा है जवां, मैं यहाँ हूँ तू कहाँ, क्या बात, इसको संभाल के करिए। लम्हा लम्हा है जवां, मैं यहाँ हूँ तू कहाँ, लम्हा लम्हा है जवां, मैं यहाँ हूँ तू कहाँ, लम्हा लम्हा है जवां, मैं यहाँ हूँ तू कहाँ, मुझे अपना बना के ले जा, क्या बात, मुझे अपना बना के ले जा, मेरे दिल को चुरा के ले जा। लम्हा लम्हा है जवां, मैं यहाँ हूँ तू कहाँ, लम्हा लम्हा है जवां, मैं यहाँ हूँ तू कहाँ, मुझे अपना बना के ले जा, मेरे दिल को चुरा के ले जा। लम्हा लम्हा है जवां, मैं यहाँ हूँ तू कहाँ। आप लोग ताली से इजाजत दो वरना इसको यही छोड़ दूंगी मैं। जी जी जी, आप लोग इजाजत दीजिए मैं हाजिर करती हूँ, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आइए बंद पहुंचाती हूँ। लम्हा लम्हा है जवां, मैं यहाँ हूँ तू कहाँ, हाजिर करती हूँ सुनिएगा आप लोग ताली बजा। फूल खिलने लगे हैं तेरे नाम से, नाम से बदली बदली हुई है हवा, शाम से शाम से मेरे सांसों की महक, मेरी आंखों की चमक, मेरी सांसों की महक, मेरी आंखों की चमक, मेरी जान, मेरी जान चुरा के ले जा। लम्हा लम्हा है जवां, मैं यहाँ हूँ तू कहाँ, लम्हा लम्हा है जवां, मैं यहाँ हूँ तू कहाँ, मुझे अपना बना के ले जा, मेरे दिल को चुरा के ले जा। लम्हा
लम्हा है जवां, मैं यहाँ हूँ तू कहाँ। और ये भी पंक्ति पहुँचाते हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। लम्हा लम्हा है जवां, मैं यहाँ हूँ तू कहाँ, मुझे अपना बना के ले जा, मेरे दिल को चुरा के ले जा। लम्हा लम्हा है जवां, हर खुशी हाथ बांधे कतारों में है आज है, हर खुशी जवां, मैं यहाँ हूँ तू कहाँ, मुझे अपना बना के ले जा, मेरे दिल को चुरा के ले जा। लम्हा लम्हा है जवां। और ये मक्ते का बन आपकी अदालत में पहुँचाती हूँ। अता कर अपनी आँखों में रोशन सितारे लिए हालिए, मैं यहाँ हूँ तू कहाँ। बहुत शुक्रिया। मुझे अपना बना के ले जा, मेरे दिल को चुरा के ले जा। लम्हा ये है फिरोज भाई, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत नवाजिश करम। लम्हा लम्हा है जवां, मैं यहाँ हूँ तू कहाँ, मुझे अपना बना के ले जा, चुरा के ले जा। लम्हा लम्हा है जो। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आइए मेरे दोस्तों, रोशन हबीबा रोशनी के बाद कमेटी का हुक्म और आप लोगों के दिलों की धड़कन। मैं अली बारा बंकवी से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं।